काफी दोनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, काफी काम किया है, नई फिल्म का रिकॉर्डिंग क्या कहना चाहिए इस बारे में, काफी सपोर्ट करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर एक हुनर काबिले तारीफ एक्टर है, कमाल मेरा अच्छा दोस्त है, गोयल जी के माध्यम से उनके 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 नेतृत्व में ये पिक्चर बनने वाला है। मेरे दोस्त काफ़ी मशहूर सिंगर राजा हसन जी, हमारे पिता तुल्य अली भाई, और हम सब यहाँ पर कमाल जी को और गोयल जी को मोटिवेट करने आए हैं। मुझे विश्वास है कि यूपी के एक मशहूर डॉन सुल्ताना डाकू के ऊपर ये फिल्म है, निश्चित तौर पर मैं उनको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 1,00,000 से ज़्यादा वर्कर्स का मैं नेतृत्व करता हूँ, उन सभी के तरफ से मैं इनको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अरे भाई आसान चाहूँगा, ताहिर बहुत नेक इंसान है, बहुत ही मेहनती है, माशाल्लाह इनके बुलावे पे हम लोग आए हैं, अभी जी जी आए हैं, रवि हसन जी आए हैं, और फिल्म जो है सुल्ताना डाकू है, सारी शूटिंग यूपी बिजनौर में होगी, और हेलो गोविंद जी हैं, गुप्ता जी हैं, सारे लोग बड़े मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म के लिए, राठौड़ जी की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम लोग सब गुड विशेस देने आए, और चूँकि 2 साल से हम सब लोग सफ़र कर रहे थे COVID-19 से, अब जो है काम शुरू हो रहा है, और मैं इसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, बहुत ही ख़तरनाक ऑफिसर है, जैसा कि बताया मुझे टेलीफोन पे कमाल ने, तो बस दुआएं दे रहा हूँ कि ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो और शूटिंग कम्प्लीट हो, अच्छी चले, टाइटल तो बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छी बनेगी और अच्छी, सारे लोग मेहनती लोग हैं, अच्छा काम। अली भाई, ताहिर जी काफ़ी पुराने संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ में, कैसा लगा अभी फर्स्ट टाइम मेन लीड में आ रहे हैं? बहुत, मैंने कहा ना कि ताहिर जो है बहुत मेहनती है, बहुत नेक इंसान है, लोगों को बहुत कॉपरेट करते हैं, प्रोडक्शन से लेकर के इन्होंने एज एन एक्टर भी बहुत सारी फिल्मों में हमारे साथ भी काम किया है, इसमें भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो ऑलराउंडर होते हैं उनकी मदद सिर्फ इंसान ही नहीं ऊपर वाला भी करता है, और मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। कितने लोग मुंबई शहर में आए, बड़े बड़े पद में आए, बड़े बड़े पोस्ट में आए, बड़े बड़े कलाकार बन गए, तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं कि ताहिर पूरी टीम को लेकर आगे चले और आलो गोयल जी अच्छा काम करें, हम लोगों को अच्छा काम, जैसा कि बताया रोल अच्छा होना चाहिए, तो इंशाल्लाह। गीत संगीत पक्ष की बात करें तो आप जब हैं तो जरूर अच्छा होगा, तो किस तरह गीत संगीत पक्ष में बताइए रिकॉर्डिंग के बारे में? गाने तो अच्छे ही होंगे, फिलहाल ये जो मॉडर्न टाइम है और हम लोग इकट्ठे हुए हैं, लुक सेंटर में चाहूँगा बाकी पूरी टीम को, मेरा भाई जो कमाल है वो तो कमाल ही है, तो उनके लिए आना पड़ा, और असल बात ये है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते जिनके नाम नहीं होते, और उन्हीं रिश्तों में अगर हमें शामिल किया जा रहा है, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है मेरी, हमारे जितने भी यहाँ पे जैसे अभिजीत भाई ने कहा वर्कर्स लोग हैं, तो उन्हीं वर्कर्स में से हम सारे भाई एक साथ मिलकर काम करें और इस फिल्म को हिट करवाएं, आप लोगों के भी हाथ में अच्छी बने, आलोक जी को बधाइयाँ, तमाम लोगों को बधाइयाँ काम करने वाले को। और मैं अभिजीत जी के लिए कहूँगा, अभिजीत खाने वो इंसान है जो अदना से अदना आदमी अप्रोच करता है तो वहाँ पहुँचते हैं, दुआएं देते हैं, मैं इनको तकरीबन 25 साल से फॉलो कर रहा हूँ, इनके भी फंक्शन में हम लोग आते हैं, लेकिन ये जो कलाकारों को प्रमोट करते हैं, अली सर अभी 20 साल के 25 साल बता दिए ये सही बोले तुम। अभिजीत जी काफ़ी यूनियन से जुड़े हुए हैं आप और हेल्प भी करते हैं, ताहिर जी के लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस करने का कुछ प्लान चल रहा है क्या? निश्चित तौर पर आने वाले समय में करेंगे। सर आलोक जी आप आइए प्लीज, आप बीच में कुछ थोड़ा राकेश भारत भाई ये हमारे भारत भाई बिल्कुल हसीन जमील प्रोड्यूसर। सर जाना चाहूंगा ताहिर के साथ आपको जुड़ा हुआ पहली मुलाकात हुई, मतलब आपने कुछ सोच समझ के साइन किया हो, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, ताहिर कमाल जी जैसे कि हमारी मूवी है सुल्ताना द हीरो, तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल मुझे अपने सुल्ताना जी जैसी लगती है, इसलिए इनको सुनाई है। अरे वाह, बाकी ये क्या पहला प्रोजेक्ट है ये तो बताइए अपने बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हमने ये हमारा पहला ही प्रोजेक्ट है और आलोक जी इसका डायरेक्शन कर रहे हैं। आलोक जी
आलोक जी, ये फिल्म का जो टाइटल है और जो इसका स्टोरी लाइन है, कुछ बताइए उस बारे में। और अली भाई हैं इस फिल्म का हिस्सा, तो क्या कहना चाहेंगे? मुंदरा एक हिस्टोरिकल फिल्म है जो हमारी यूपी का बहुत दुर्दान डाकू रहा है, डाकू सुधाना। लेकिन क्या था, ये अंग्रेजों को लूटता था और गरीबों को बांटता था, इसकी ये तो थीम है। तो ये इंडिया का रॉबिन हुड भी एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। उसे जो अंग्रेजी टीम थी, मतलब ब्रिटिश शासन ने उसे पकड़ने 300 सिपाही इंडिया में तैनात किए थे, इससे बड़ी बात नहीं होती। और वो चूंकि रॉबिन हुड की तरह था, गरीबों को बांटता था, शादियों में लड़कियों की मदद करता था, तो एक रियल हीरो की तरह इसे हम मानते हैं। तो अंग्रेजों से भी टक्कर ली, जो उसका नाम कभी फ्रीडम फाइटर में कभी नहीं आया सुना। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट को हाईलाइट करें, क्योंकि वो बिजनौर का रहने वाले थे। और जो हमारे ताहिर कमाल खान जी हैं, ये बिल्कुल सटीक उस रोल के बैठे हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं और अच्छी इनकी सब बढ़िया मेरे दोस्त भी हैं। तो मैंने चाहा कि ये लीड रोल दिया जाए और ये एक हमारी जोड़ी बन जाए। अली भाई सब है तो इनका एक्सपीरियंस हमारे पास काम आएगा। आलोक जी से शूटिंग कब और कहाँ करने वाले हैं? शूटिंग हम इसकी नवंबर में शुरू करेंगे और लखनऊ में इसके मॉल करेंगे हम लोग। आज विनोद जी के गाने से रिकॉर्डिंग चल रही है, विनोद जी का कुछ गाना चाहेंगे? विनोद जी का टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। और डाकू है कि नेकी करता जाऊँ मैं, डाकू का रोल तो हमारे सामने खड़े वही लगता है। रहने वाला नाम मेरा सुल्ताना, ये इसकी फिल्म का थीम है हमारा टाइटल सॉन्ग। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है आज, इसका हम इसका आपके लिए एज अ लीड पहली फिल्म और जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत कमाल की है। कुल मिला क्या कैसा फील कर रहे हैं? अभिजीत सर आए हैं, अली भाई आए हैं आपके समारोह में, राजा भाई आए हैं। ऑफकोर्स 20 साल का संघर्ष है। तो अल्लामा इकबाल के शेर से शुरुआत करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो दोस्तों ये मेरे लिए वाकई प्राउड की बात है। और मैं फिल्में तो मैंने और भी लीड में की हैं, बाकायदा वो थोड़ा सेंसर में फंसी हैं, कुछ रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन ये इंशाल्लाह प्राउड की बात इसलिए है कि ये हमारे बिजनौर ज़िला बिजनौर के जितने भी लोग हैं वो इस कहानी के बारे में पूरा देश जानता है। सुल्ताना डाकू एक ऐसे डाकू रहे हैं जो एक अंडे से उन्होंने चोरी की शुरुआत की थी, बाद में पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें फांसी लगाई थी। तो उस सिलसिले में ये कहानी इंशाल्लाह शुरुआत हो रही है। और बस बिजनौरियों का और आप सबका, पूरे देश का मुझे प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आप सब जिस तरह से मुझे प्यार देते हो इसी तरह से प्यार देते रहिएगा और मैं काम करता रहूं, देश का, जिला बिजनौर का, पूरे वर्ल्ड में नाम करता रहूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार आशीर्वाद इसी तरह बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत राणे जी हमारे लिए आए, अली भाई, राजा हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक गोविल जी इसके फिल्म के डायरेक्टर हैं, भरत भाई इसके प्रोड्यूसर हैं, मनोज भाई और पूरी टीम, लगभग इसके और भी गाने हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अरे चुप रहो, तुम तो रोल देंगे, टेंशन मत लो। उदित नारायण जी ने इसका गाना गाया है, अल्तमश फरीदी ने भी गाना गाया है और शादा फरीदी ने भी गाना गाया है और अपना उदित जी की वाइफ ने भी इसके, और दीपा नारायण जी ने भी 4 गाने ऑलरेडी इसके रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये 5वां गाना हमारा टाइटल ट्रैक हो गया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बस आप सबके प्यार आशीर्वाद से इस फिल्म को हम फ्लोर पे लेके जाएंगे। आप सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे बिजनौर वासियों, आप सब अपना खूब सारा प्यार देना ताकि हम देश में कुछ अपना नाम कर सकें, पूरे वर्ल्ड में नाम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अली जी, ताहिर भाई के बारे में और अली भाई के फिल्म कैसे कहते हैं? ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कमाल भाई का, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है, फिल्म का टाइटल काफ़ी अट्रैक्टिव है। मैं पूरी टीम को बेस्ट विशेज देना चाहूँगा, डायरेक्टर सर को बेस्ट विशेज देना चाहूँगा और कमाल भाई एक्टर काफ़ी अच्छे हैं, पिछली भी उनकी कई फिल्म कर चुके हैं, तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा पूरी टीम को।
मैं फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, मेरी अभी एक मराठी फिल्म आ रही है, मैं इससे पहले हिंदी फिल्म कर चुका हूँ, एक भोजपुरी किया था को प्रोड्यूसर रमेश जी के साथ, अभी एज ए प्रोड्यूसर मैं इंडस्ट्री में। आलम भाई जो फिल्म है सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक ही एक बात है कि जब आदमी मेहनत करता है काफ़ी टाइम से भाई कमाल एकदम खास कर मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह कामयाब करता ही है, तो वो दिन आज आ गया और अच्छी कौन से बच्चा है शुभकामना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और मैंने भी इससे पहले 11 एल्बम वगैरह रिलीज़ किया था, खुद प्रोड्यूस किया था, आप लोग सब सब लोग मेरे साथ काफ़ी सिंगल, अभी एक नेक्स्ट और भी है प्रोजेक्ट वगैरह जिसमें कमाल खान कुछ कर रहा था अपने काम, इन शाला नेक्स्ट वीक तक मैं भी कुछ करने वाला हूँ। और मेरी तरफ से आलम जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बहुत बहुत मुबारक हो, और गुलाम अली इसके म्यूजिक डायरेक्टर उनको मुबारक हो, और कमाल को दिली मुबारकबाद, और शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का कि कमाल को स्टार बना के छोड़िए। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इस टाइटल का, सुल्ताना के जो वो मेन टाइटल सुल्ताना बन रहे हैं, और पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज मुहूर्त हुआ है। इस फिल्म का मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, इसमें 5 सॉन्ग हैं, आज टाइटल सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। और ताहिर कमाल खान जी का यानी हमारे दोस्त भी है और एक्टर और बहुत अच्छे इंसान भी है, जिन्होंने मुझे मौका दिया है इस फिल्म को कोरियोग्राफी करने। शूटिंग से बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी और ताहिर कमाल जी को साइन कर रहे हैं, और बेसी भाई को भी बाकी कलाकार काम करेंगे, उनके लिए भी काम चल रहा है। पूरा गीत संगीत पर बहुत मतलब गीत संगीत पर तो सुरेश नारायण जी हैं, दीपा हरियाणा जी, विनोद राठौर जी का गाना आज रिकॉर्ड हो रहा है जो टाइटल सॉन्ग है फिल्म का। और कुछ कहना चाहेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट मतलब क्यों चुना आपने? ये सब्जेक्ट हमने इसलिए चुना, नंबर एक तो हम लोग बिजनौर से हैं और सुल्ताना बिजनौर से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को चुना। बिजनौर लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि सुल्ताना को डाकू कहा गया लेकिन वो सच में एक हीरो थे, वो गरीबों की हेल्प करते थे और बहुत अच्छे काम। सर आप अजीब सर डायरेक्टर के तौर पे क्या करना चाहेंगे, किस तरह से आप उनको तैयार करेंगे इस फिल्म के लिए, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कितना वो न्याय कर पाएंगे इस कैरेक्टर में? एक्टर है बढ़िया जो सर कैमरे में था, यस यहाँ पे एक्टर है तो सारे कमाल बड़े एक्टर हैं, तो राय नहीं है जो सिलेक्शन किया हूँ उनके पेरेंट को देखते हुए किया काफ़ी सी तो है, और क्योंकि जो हमारा करेक्टर सुल्ताना है उसकी अगर हम जो इमेज देखते हैं पुरानी जो फोटो है उसका वो बिल्कुल उनकी कटकारी से मिलता हुआ भी है, तो ये डिजर्व करते हैं कि रोज के लिए ये सुल्ताना का टाइप बने, और वो क्योंकि एक रॉबिन हुड भी था इंडिया का, तो एक अच्छा करेक्टर निकल गया और मैं बताऊँ आज फिल्म में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, कोई इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, ब्रिटिश शासन में भी इसका अच्छा खासा जवाब था और अंग्रेज़ों की इन्होंने नींव मिला रखी थी सुल्ताना में। हाँ मैंने 5-6 फिल्म रखी है, 6 फिल्म है, छोटी रोज इंतजार, प्रयास, परिवर्तन और कुंदन, और 2-3 सीरियल है, मोटरी मॉडल, बेटी माँ और बहन, और एक सीरियल बनाने खाटू श्याम जी के चमत्कारों का खाटू वाले सीज के जानी, उसका म्यूजिक उन्होंने दिलीप सैन जी ने किया और टाइटल सॉन्ग साल दो सीरियल का। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया। सीरियसली मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है, आलम भाई मेरे यार हैं, ये मेरा यार है, आलम जी से पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे दुआएं और कुछ नहीं, कुछ इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बस एक दोस्त की बहुत सारी दुआएं मिल गई हम लोगों को, प्यार मिल गया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और राजा भाई कोई अपना एक पसंदीदा गाना थोड़ा सा वो आ रहे
कोई धुन बना दो अपना पसंदीदा गाने सुन रहे हैं आप लोगों ने अगर रिक्वेस्ट है तो गुनगुना दीजिए उनका कोई भी एक गुनगुना दो आपके तो यहाँ सभी फैन है हम भी फैन है अभी एक दोस्त एक अलग जिला अभी हमारी एक फिल्म रिलीज हुई थी सिद्धार्थ भाई की जबरिया जो उसका गाना था बिजली गिरा दे रानी ओ कूलर चला दे रानी बिजली गिरा दे रानी कूलर चला दे रानी आया है हीरो धमाल कर दे जो मेन पॉइंट पे आते तेरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिलला ओ तेरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिलला थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया राजा भाई आपके बारे में ताहिर भाई का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और आलोक सर जो है वो उसकी डायरेक्टर है ताहिर भाई इसमें ऐसे गेट रोल कर रहा है सबको उधरी ध्यान नीचे ध्यान है क्या करूँ छोड़ हो गया चलो उसको सुल्ताना डाकू चलिए 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 ताहिर भाई पूछते रहिए यस बोलिए ताहिर भाई जानना चाहूँगा कि पहले भी आपने जैसे बोला प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्ट तो ये प्रोजेक्ट में जो आपको लीड रोल मिला है तो किस तरह से आपको निभाने वाले हैं क्या रिसर्च करने वाले किस तरह से ऑफकोर्स सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने शायद ये बात कभी नहीं बताई होगी सबसे पहला ब्रेक मुझे राजपाल यादव जी ने दिया था फिल्म का नाम था अता पता लापता तो वो फिल्म भी इतनी महत्वपूर्ण थी मेरे लिए कई साल संघर्ष करने के बाद पहली फिल्म मिली थी छोटा सा रोल मिला था ये फिल्म भी मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण है फिल्म हर फिल्म अपने आप में एक महत्वपूर्ण होती है और फिल्म में मुझे अगर एक पासिंग सीन करने को भी मिल जाए तो वो मेरे लिए एक फिल्म नहीं एक 1000 सीरियल करने के बराबर होता है खैर माशाल्लाह ये जो फिल्म है आलोक सर जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने आप सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर ही दिया है और मैं आपको ख़ास बात ये बताऊं कि ये कई साल से ये मेरा सपना लेके मैं चल रहा था कई बार तो मैं ये सोच रहा था कि यार पहले स्टार बन जाऊँ तब इस फिल्म को शुरू करूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था तो कुछ कहते ना कुछ भरोसा नहीं होता कि कौन सी फिल्म से कौन कब क्या हो जाए कौन सी फिल्म से कौन क्या निकल जाए कितना बड़ा स्टार बन जाए क्या हो जाए उसका कोई फिक्स नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में कब जीरो हीरो बन जाए और हीरो कब जीरो बन जाए इसका यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है इसलिए मैंने अल्लाह का नाम लेके और आप सबके प्यार आशीर्वाद से ये फिल्म आलोक जी ने मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताया और हमने एक डिस्कशन किया बाद में हमारे साथ भरत भाई जुड़े मनोज भाई जुड़े फिर हमने इसका प्लान वहीं पर किया जिला बिजनौर में ही किया क्योंकि कुछ बीते दिनों पहले इनका एक इंडियन आइडल फंक्शन था वो अटेंड करने में गया था तो मैंने कहा सर कि मेरा एक प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है अगर उसको शुरू करना चाहते हैं तो आप सर करिए तो सर ने तुरंत हमें हाँ मिला दी और ये प्रोजेक्ट आज आपके सामने है इंशाल्लाह और इसके 4 गाने रिकॉर्ड हो गए जैसे मैंने आपको बता दिया ये 5वां गाना है बस आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना सब प्यार आशीर्वाद मुझे देते रहिए और मेरे अंदर वो प्यार और आशीर्वाद जो आपका मुझे मिलता रहेगा उससे मैं अपने अंदर ऊर्जा भरता रहूँगा और मैं मेहनत करता रहूँगा और काम करता रहूँगा बस आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आप सब ने इतना कीमती समय निकाला आप सब मेरे भाई हैं इतने सालों से देख रहे हैं मुझे जान रहे हैं इतना प्राउड फील कर रहे हैं बिजनौर की स्टोरी है बिजनौर की स्टोरी में अपने आप को ऑफकोर्स ये ऐसा नहीं है बिजनौर की स्टोरी है स्टोरी किसी एक शहर की नहीं होती है स्टोरी पूरे वर्ल्ड के लिए होती है ये पूरे वर्ल्ड के लिए है मैं कोई बिजनौर हमारा जिला है ये बिजनौर ये जो डाकू है बिजनौर से ताल्लुक रखते थे इनका नाम ही है सुल्ताना डाकू बिजनौर के तो पूरा वर्ल्ड इनके बारे में जानता है इनकी किताबें भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप सब भी इंशाल्लाह धीरे धीरे जैसे पढ़ते हुए आएगी तो आप सबको भी ये फिल्म देखने को मिलेगी आप सब प्यार दीजिएगा थैंक्स धन्यवाद अच्छा लग रहा है दिवाली आ गई हमारे दोस्त है सुरेश आनंद जी जिनका म्यूजिक है बहुत ही सुंदर गाना बनाया है हालांकि वर्ड सुल्ताना फीमेल उषा मंगेशकर जी और काफी सभी ने गाया है लेकिन मेल में आज पहली बार ये मूड बिल्कुल वो खलनायक वाला है डाकू के बारे में है एंड उसका नाम है सुल्ताना लेकिन कहानी है हर अंतरे में एक अलग अलग स्टेप आपके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो उसी तरह से बिल्कुल मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया और गाने का मज़ा भी लिया स्टोरी की लाइन है उनको मैंने बताने की कोशिश की है और पिक्चर दिखाने की कोशिश की है बनने से पहले
विनोद राठौर जी के बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये ऐसे हिंदुस्तान के ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने आज तक जितने भी टाइटल गाए हैं वो सब सुपर हिट हुए हैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं से लेके, और आज तक आज ये हमारे को भी आशीर्वाद देने आए हैं, और इनके आशीर्वाद से और आप सब भाइयों ने जो इतनी मेहनत की है इस काम को सक्सेस करने के लिए, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से और सर के आशीर्वाद से, आलोक जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मनोज जी प्रोड्यूसर हैं, सुरेश आनंद जी इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, भरत भाई इसके प्रोड्यूसर हैं, सुरेश आनंद जी बुलाइए, तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद, जैसे अभी इन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया, आप सबने इतना सारा प्यार दिया, आप सब देते रहिए, और इंशाल्लाह सुल्ताना भी जैसे हिंदुस्तान के इन्होंने जितने भी गाने गाए आज तक टाइटल क्रिएट सब हिट हुए, इंशाल्लाह सुल्ताना भी सुपर हिट हुए। दो वेडिंग सर, दो वेडिंग आपकी आवाज में, दो वेडिंग सर का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, हमारे सुरेश आनंद जी का मैंने शुक्रिया अदा किया है, और आप सभी हमारे मीडिया वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम एंड थैंक यू सो मच फॉर, तो इतना कूल करके आपने वेट किया, क्योंकि थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, उसको हटाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। एंड इस लाइक म्यूजिक डेफिनेटली सबसे बड़ी आपकी दवाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच में है, बिल्कुल जो संगीत है सच है, और ये कोरोना वोराना जो भी अगर गायब होगा तो संगीत के जरिए ही होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और ये हमारे सुरेश आनंद जी भी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा के काफ़ी गाने मैंने गाए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में भी गाए हैं, लेकिन आज जो गाना बनाया है बिल्कुल पुराना मूड याद आ गया, ऐसा लग रहा है कि कहीं लक्ष्मी जी की रिकॉर्डिंग में आया हूँ, और हम लोग महबूब स्टूडियो में हैं, आप सभी को देख के मन खुश हो गया कि हाँ चलो यार, मतलब इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं बूस्टर डोज मिल गया आज। थैंक यू सो मच फॉर द मीडिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे सेवा करता हूँ, और आज चार चांद लग गया, आप लोग इतने मीडिया वाले आए, नाइस टू सी, और विनोद जी ने ये आवाज दे दी है तो क्या कहना, और बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे सुल्ताना, उसकी मैं और रहने वाला नाम मेरा सुल्ताना, सुल्ताना ऐसा, सुल्ताना ऐसा, सुल्ताना सुल्ताना। तो ये है